हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस के स्टडी चैनल। सो गाइस, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम का हम यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे, और लास्ट वीडियो में मैंने यूनिट डिजिट का आपको कंसेप्ट बता दिया था, और आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिया था। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। और एक और बात गाइस, 0 to high level शुरू हो गया है, ठीक है? ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो या बीच में कोई भी वीडियो आप देख रहे हो, कोई भी पार्ट देख रहे हो नंबर सिस्टम का, तो देख के कोई फ़ायदा नहीं है। उससे पहले आपको स्टार्टिंग के वीडियोस देखने पड़ेंगे, कंसेप्ट समझना पड़ेगा, तब जाके आपको वो आगे के वीडियो समझ में आएंगे, ठीक है? और आपको क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है? और उनका रिविज़न करना है, और फिर जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो आपको उसको प्रैक्टिस भी करना होगा प्रीवियस ईयर से, ठीक है? तो आप देखना कि नंबर सिस्टम के कोई भी क्वेश्चन होंगे आपसे सब के सब बनेंगे। और बहुत सारे बच्चे जो बोल रहे थे नंबर सिस्टम आरएस अग्रवाल से कराओ, ठीक है? अब ये जैसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, नंबर सिस्टम हमारे यहाँ पे, उसके बाद अब आरएस अग्रवाल के खुद के क्वेश्चन कर लोगे। और जो क्वेश्चन अगर आरएस अग्रवाल में नहीं है, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है? वहां से आप दबा के प्रैक्टिस करना, देखना आपका 100% सॉल्व होगा, ठीक है? बस गए, ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है? 11 स्टार्ट करने से पहले गाइस, ठीक है, एक कंसेप्ट है, ठीक है, वो कंसेप्ट समझाऊंगा, लेकिन एक उस वो कंसेप्ट को मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, ठीक है? पहले वो एग्जांपल समझा दूं, उसके बाद 11 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? ताकि क्या है, क्वेश्चन इजी लगेगा, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, क्या थ्योरी पार्ट है, ठीक है? फिर वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है? चलो करके दिखाता हूँ। तो एग्जांपल क्या है, ठीक है, पहले एग्जांपल लिखा देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद देखो एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? क्या है, जैसे मान लो 122 है, इसका पावर कितना है, 737 माइनस, ठीक है? अगर इस नंबर को मैं एक नंबर 37 से माइनस करूँ और उसका पावर है 195, ठीक है, तब यूनिट डिजिट क्या आएगा, ठीक है? हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो भी है, ठीक है, हम यूनिट डिजिट हमको जब निकालना है तो हम हर नंबर का यूनिट डिजिट देखेंगे और उसका जो भी पावर होगा, ठीक है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, पावर्स को हमने क्या किया था, 4 से डिवाइड किया था। तो सबसे पहले आप इसके पावर को क्या करो, 4 से डिवाइड करो, ठीक है? चलो 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 737 को हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 ये आ जाएगा, 338 जा लेते हैं, 32 ये आगे, 17 4 जे लेंगे कितना, 16, तो रिमाइंडर कितना आएगा, इस 1 आया, रिमाइंडर 1 है, इसका मतलब रिमाइंडर 1 है, तो आपको पहले ही बता दें रिमाइंडर 1 है तो मतलब 2 का पावर 1 होगा, 2 का पावर 1 मतलब 2, ठीक है? अब सेम इसको करो, ठीक है, 4 से डिवाइड, 195 को 4 से डिवाइड करो, 4 जे 16, 9 में से 6, 9 में से 6 गया 3, 5, फिर इसको 8 जे करो, 32, ये क्या होगा, 3 होगा, रिमाइंडर क्या है, ऑड है, रिमाइंडर ऑड मतलब, सॉरी 7 है ना, हाँ रिमाइंडर 3 है, तो रिमाइंडर 3 मतलब 7 का पावर 3, तो 7 का पावर रिमाइंडर 3 तो मतलब 7 का पावर 3, और 7 का पावर 3 क्या होता है गाइस, 3 ही होता है, ठीक है? 7 का पावर 3 कितना, 3 ही होता है। अब क्या करना है आपको, ये 2 का, 2 का जो भी आया, ठीक है, 2 माइनस ये जो 3 आया है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ 3 आएगा। अब 2 माइनस 3 कितना होता है गाइस, अब देखो गाइस, कभी भी यूनिट डिजिट माइनस में नहीं आएगा, ठीक है? 2 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो माइनस 1 आएगा, ठीक है? तो ये ध्यान से देखना, ये यूनिट डिजिट है, मतलब ये जो भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट है, तो इन 2 के आगे भी एक नंबर होगा, 3 के आगे भी एक नंबर होगा, तो 2 के आगे एक नंबर होगा, उससे क्या होगा, 2 कैरी लेगा, तो 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। या फिर आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, ठीक है, 2 माइनस 3 क्या आता है, माइनस 1 आता है, और इसमें आपको सिंपली क्या करना है, प्लस 10 कर देना है, कोई भी नंबर हो, जरूरी नहीं है इधर माइनस 1 है, कोई भी माइनस 2, अगर कोई भी कुछ भी माइनस में है, माइनस 2 है, माइनस 3 है, माइनस 4 है, माइनस 6 है, माइनस 7 है, माइनस 8 है, माइनस 9 है, कुछ भी है, बस आपको सिंपली क्या करना है, प्लस 10 कर देना है, कोई भी नंबर माइनस में आएगा, ठीक है, तो उसको 10 प्लस 10 करना है तो आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 9 आएगा, तो हमारा आंसर कितना हुआ, 9 हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोल रहा है, द यूनिट डिजिट ऑफ ब्रैकेट में
8735 का पावर 827 प्लस 1693 का पावर 469 ब्रैकेट क्लोज इनटू ब्रैकेट में 7339 का पावर 1256 माइनस 244 का पावर 311 ब्रैकेट क्लोज इनटू 5827 का पावर 935। ठीक है, तो इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, अब नंबर देख के आप डर गए होंगे, ठीक है, लेकिन डरना नहीं है गाइस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, करने में हार्डली 4 या 5 सेकंड लेंगे। ठीक है, कितना इजी है। ठीक है, आप ये तो माइंड में भी कर सकते हो, इसे मैं करके दिखाता हूँ कितना इजी है ये। तो गाइस क्वेश्चन ये था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था। अब देखो कितना इजी है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो यूनिट डिजिट क्या है, 5। अब मैंने आपको पहले भी बता दिया है क्वेश्चन में, 5 का कितना भी पावर हो, ठीक है, यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा। समझ में आएगा इस, 5 का कोई भी हो, 5 का पावर कोई भी होगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 5 होगा प्लस, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 वन जा 4, 2 कैरी, 2 नीचे रिमाइंडर, तो 29 हुआ, 8 जा 28, तो 29 में से 28 गया, तो 1 रिमाइंडर, 3 का पावर 1, तो इसका मतलब 3। ठीक है, इनटू इधर पे 9 का पावर क्या है, इवन है, तो इवन आने से क्या होगा गाइस, आपको मैंने पहले ही बता दिया था गाइस, अगर 9 का पावर इवन होगा तो 1 यूनिट डिजिट होगा, 9 का पावर ऑड होगा तो 9 होगा यूनिट डिजिट। ठीक है, तो 9 का पावर इवन है तो इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, माइनस ये 4 है, 4 का पावर क्या है गाइस, ऑड है, तो 4 का पावर ऑड होगा, तो मैंने क्या बताया था गाइस आपको, तो मैंने आपको बताया था अगर इवन होगा तो यूनिट डिजिट 6 होगा हमेशा, और ऑड होगा तो यूनिट डिजिट 4 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बेसिक मैंने पहले ही बता दिया। और इधर देखो 7 है, ठीक है, यूनिट 7 है और ये पावर इतना है, तो इसको 4 से डिवाइड करो। ठीक है, 4 4 2 8, 1 रिमाइंडर, 13, 3 जा 12, 1 15, ठीक है, 3 जा 12, तो 3 आएगा, तो 3, 7 का पावर, 7 का पावर 3 क्या होता है, 7 का पावर 3 इंटू क्या होता है, 3 ही होता है। ठीक है, क्योंकि 7 का क्यूब कितना होता है, 67, 7 7 जा 49, उसका 9 इंटू 7 कितना होगा, 63, तो 3 हम लेंगे, तो ये हो जाएगा 3। अब बस सॉल्व कर दो, ये कितना हो गया, 8 हो गया, 9 में से 4 गया, 5 हुआ, इंटू 3 हुआ। ठीक है, अब देखो गाइस इन सब को करो, ये कितना होगा, 40, एक सेकेंड गाइस कुछ गलत हो गया, यहाँ पे गलती से 9 लिख दिया। ठीक है, ये 1 होगा एक्चुअली में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, अगर इवन होगा, 9 का पावर अगर इवन होगा तो 1 होगा, 9 का पावर ऑड होगा तो क्या होगा, वो 9 होगा। ठीक है, तो अब देखो 11 में से 4 गया। ठीक है, 11 1 कैरी लेगा ना, इसके 1 के आगे भी तो कोई नंबर है। ठीक है, 1 के आगे भी कोई नंबर है, तो 1 कैरी देगा इसको, मतलब वो नंबर 1 को कैरी देगा, तो 11 हो जाएगा। 11 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 × 7 × 3। ठीक है, अब देखो 3 7 जा 21, इसका 21 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 1, 1 × 8 कितना होता है, 8 होता है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 8 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन में भी 8 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12th नंबर क्या बोला है, लेट एक्स इक्वल टू, ठीक है, 633 का पावर 24 माइनस 277 का पावर 38 प्लस 266 का पावर 54, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ एक्स, जो एक्स है उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो गाइज ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये सीजीएल के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, वो भी मेंस में पूछा गया था, 2018 मेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो गाइज इसको आप कैसे चुटकियों में सॉल्व करोगे, ठीक है, आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो गाइज देखो ये है क्वेश्चन, ठीक है, और ये क्वेश्चन गाइज मेंस का पेपर है। ठीक है, जिसको कंसेप्ट पता होगा ना उसको कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होगी, और जिसको नहीं पता वो मतलब या तो स्किप करेगा या तो इसमें टाइम पास करेगा। ठीक है, अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है, अब खुद देखना गाइज, वो भी सीजीएल मेंस का जो कि टफेस्ट एग्जाम होता है। देखो 3 का पावर 24 है, अगर हम 424 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर 3 का पावर, अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब क्या, 3 का पावर 4 है, तो 3 का पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इधर देखो 7 का पावर 38 है, 38 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 आता है, तो रिमाइंडर 2 आया, तो इसका मतलब 7 का पावर 2,
तो 7 का पावर 2 कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49 में से हम लोग 9 लेंगे यूनिट डिजिट, प्लस 6 का पावर क्या है 54, और 6 का मैंने पहले ही बता दिया था कि 6 का कुछ भी पावर करो ठीक है वो हमेशा क्या होगा 6 ही होगा, तो 6 ही होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा गाइस, कर लो सॉल्व। देखो -9 में से -3 जाएगा, -6 जाएगा, या तो आप एक काम करो ऐसे कर लो ठीक है, और ये होगा -8, -8 में से +6 करो तो -2 होगा, -2 में 10 कर लो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा 8 ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया, मेरे को इतना टाइम लगा, लेकिन जिसने प्रैक्टिस किया होगा जिसको कंसेप्ट पता होगा उसको ये पेन उठाने की जरूरत नहीं, वो क्वेश्चन देखेगा माइंड में कैलकुलेट करेगा 3 सेकेंड में, वो 3 सेकेंड में आंसर टिक करेगा, आगे बढ़ेगा ठीक है, और 2 नंबर गेन करेगा ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन गाइज इस टाइप के क्वेश्चन NTPC में भी देखने को मिलेंगे, और ये जो एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं और भी ये CDS में भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं ठीक है। SSC का तो फेवरेट क्वेश्चन है ही इस टाइप के क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, तो गाइज ऑप्शन में देखो 8 दिया हुआ है ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 13 नंबर क्या बोला, इफ़ एक्स इक्वल टू 164 का पावर 169 +333 का पावर 337 -727 का पावर 726 देन व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ एक्स। तो ये जो एक्स है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे ठीक है, तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ठीक है। इसको भी देखो आप कितने सिंपली, आप कितनी इजीली सॉल्व कर लोगे ठीक है। चलो करके दिखाता हूँ इसको, तो गाइस क्वेश्चन ये रहा ठीक है। देखो आप कितना इजीली इसको सॉल्व करोगे, 4 यूनिट डिजिट है, 4 का पावर क्या है ये देखो, एक ऑड है, ऑड पावर है, अगर ऑड पावर है तो हम उसमें क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, और इवन होता तो 6 लिखते, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। प्लस 3 का पावर ये है, इसको 4 से डिवाइड करो तो क्या हो जाए 8j32 17 ठीक है, तो 4j16, तो 17 में से 16 गया 1, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 मतलब 3 ठीक है। रिमाइंडर क्या है 1, रिमाइंडर 1 मतलब क्या होता है 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 1 क्या होगा 3 ही होगा, सिंपल सा है। अब 7 का पावर ये दिया, इसको करो 4 से डिवाइड, 4 4 1 जा 4, ये आ जाएगा 32, कट जाएगा पूरा पूरी, ये बच गया 6 6 4 6 4 1 जा 4, बचा कितना रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 2 मतलब 7 का पावर 2, 7 का पावर 2 मतलब 49, 49 का 9 आ जाएगा ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 7 ठीक है। अब 7 में से या तो तुम ठीक है, 7 में से या तो तुम इसको 17 कर लो, या फिर ये -2 में +10 कर लो, तो क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा ठीक है। 17 में से या तो 9 माइनस करो तब भी 8 आएगा, 17 में से 9 माइनस करो तब भी 8 आएगा, या फिर आप माइनस इसको माइनस करके -2 आएगा, +10 कर लो तब भी 8 आएगा ठीक है, बात बराबर है। ऑप्शन में देखते हैं 8 दिया है कि नहीं, तो गाइस ऑप्शन में दिया हुआ है ठीक है 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 14 नंबर क्या बोल रहे हैं, द यूनिट डिजिट ऑफ 198 का पावर 101 into 644 का पावर 255 +529 का पावर 132 -207 का पावर 85 -343 का पावर 43 -625 का पावर 88 ठीक है। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है ठीक है। अब क्वेश्चन देखे आप डर मत जाना ठीक है, जिसको कंसेप्ट पता होगा वो 5 से 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड ज़्यादा बोल दिया, 5 से 8 सेकंड के अंदर वो ठीक है, लेकिन स्पीड होना चाहिए गाइस ठीक है। तो जिसमें स्पीड होगा वो 8 सेकंड 10 सेकंड तक मार के क्वेश्चन आगे निकल जाएगा ठीक है। चलो इसको करके दिखाता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो गाइस ये रहा क्वेश्चन ठीक है। अब इसको गाइस देखो कितना जल्दी सॉल्व करेंगे, अगर 4 से इसको डिवाइड करते हैं ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 2 जा 8 21 1 ठीक है, 4 जा 20, तो 1 रिमाइंडर आया, और 1 रिमाइंडर का मतलब क्या होता है 8 का पावर 1 ठीक है, 8 का पावर 1 मतलब 8। अब ये 4 है, 4 का पावर क्या है ऑड, 4 का पावर ऑड होने मतलब क्या होता है 4 होता है, और इवन होने का मतलब होता है 6, तो ये पावर ऑड है तो 4 ही आएगा। प्लस 9 9 का पावर क्या है इवन है, 9 का पावर इवन मतलब क्या होता है 1 होता है, अगर ऑड होता इधर तो 9 होता, तो 9 का पावर इवन है तो वो क्या होगा, 9 का यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। माइनस 7 का पावर 85, इसको 4 से डिवाइड करो तो ये तो 8 कट जाएगा, इधर पे कितना आ जाएगा
फोर वन जब फोर तो वन रिमाइंडर, वन वन रिमाइंडर मतलब सेवन का पावर वन, सेवन का पावर वन मतलब सेवन, माइनस थ्री का पावर 43, इसको डिवाइड करो फोर से तो ये आ जाएगा 10 बार में 43, थ्री का पावर थ्री, रिमाइंडर थ्री आएगा, रिमाइंडर थ्री मतलब थ्री का पावर थ्री, ठीक है। तो थ्री का क्यूब कितना होता है 27, तो 27 में से सेवन क्या होगा, यूनियन डिजिट सेवन होगा। ये क्या है फाइव, फाइव का पावर कुछ भी करो तो फाइव ही आता है, तो माइनस फाइव, ठीक है। अब देखो इधर पे 32, ये एट, एट फोर जा कितना होता है 32, 32 का हम टू लेंगे, ठीक है, टू लेंगे यहाँ पे, ये कितना आएगा इस 32 आएगा, 32 का हम टू लेंगे, टू प्लस थ्री कितना होता, टू प्लस वन कितना होता है थ्री होता है, माइनस। अभी ये सारे के सारे माइनस हैं, ठीक है, इनको एक साथ ही कर लो, ठीक है। ये देखो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, सेवन प्लस सेवन, माइनस माइनस क्या होगा इस प्लस होगा, सेवन प्लस फाइव कितना होता है 12 होता है, तो 12 का टू रिमाइंडर, माइनस टू रिमाइंडर यहाँ पे माइनस सेवन, तो हो जाएगा माइनस नाइन, ठीक है। या तो एक काम कर लो माइनस कर लो, प्लस माइनस कर लो, ठीक है, माइनस सिक्स आएगा, फिर प्लस टेन कर लो तो ये हो जाएगा फोर, तो रिमाइंडर, तो यूनिट डिजिट क्या होगा फोर। या तो आप एक काम कर लो 13 में से माइनस नाइन करो, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा फोर आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 15 नंबर की तरफ। 15 नंबर क्या बोल रहा है गाइस, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 973 का पावर 243 फैक्टोरियल इनटू 234 का पावर 973 फैक्टोरियल। तो आपको फैक्टोरियल का कंसेप्ट पहले भी बता दिया, इस क्वेश्चन में फिर से बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, पूरा बताऊंगा क्या होता है फैक्टोरियल, कैसे फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, तो फैक्टोरियल का क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, ठीक है, इसको डरना मत, समझ लो क्या चीज़ है, एक बार समझ गया तो आपके लिए इजी क्वेश्चन आपको दो सेकंड के लिए हो जाएगा, ठीक है। बस चलो गाइस सॉल्व कैसे करेंगे दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन देखो गाइस ये है, ठीक है। अब गाइस पहले फैक्टोरियल क्या होता है वो समझ लो, ठीक है। जैसे मैं कुछ भी नंबर ले लेता हूँ, मैं सपोज मान लो फाइव फैक्टोरियल ले लिया, ठीक है। अब फाइव फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, वन से लेके फाइव तक जितने भी नंबर है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, तो ये कितना आ जाएगा गाइस, जितना भी आएगा वही होगा फाइव फैक्टोरियल। फाइव फैक्टोरियल का मतलब ये होता है वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, ठीक है। सपोज मैं ले लेता हूँ इलेवन फैक्टोरियल, ठीक है, इलेवन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स इंटू सेवन इंटू एट इंटू नाइन इंटू टेन इंटू इलेवन, ठीक है, तो ये होता है इलेवन का फैक्टोरियल। अब देख लो गाइस किसका क्या फैक्टोरियल होता है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ आपको मैं समझाऊंगा, आप या तो उसे आप बाय लैंग्वेज, आप जिस लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल लगे उस लैंग्वेज में लिख लो। अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल लग रहा है तो आप इंग्लिश में लिख लो, अगर हिंदी में लग रहा है तो हिंदी में लिख लो, ठीक है, या फिर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिखना था उसमें भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझना आपको है, आपका नोट्स है, आप ही का हेल्प करेगा एग्जाम में, जब रिवीजन करने का टाइम आएगा आपको ही हेल्प करेगा। तो सबसे पहले देखो जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है, जीरो का फैक्टोरियल हमेशा वन ही होता है, ठीक है, वन का फैक्टोरियल क्या होता है हम वो भी वन ही होता है, टू का फैक्टोरियल क्या होता है वन इंटू टू, ठीक है, टू ही होता है, बैकमिट ने लिख दिया था वन इंटू टू, ठीक है। अगर आप थ्री का फैक्टोरियल देखने जाओगे तो थ्री का फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है, वन इंटू टू इंटू थ्री, तो कितना होगा गाइस सिक्स हुआ, तो सिक्स होगा। फोर का फैक्टोरियल कितना होता है, ठीक है, फोर का फैक्टोरियल करो वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, तो कितना होगा सिक्स फोर जो 24, तो 24 होगा। अगर आप फाइव का करोगे तो आप सीधी सी सीधा से देख लो, ठीक है, जो भी नंबर आ रहा है उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखो वन आया तो वन को टू से मल्टीप्लाई किया तो टू का फैक्टोरियल आ गया, टू था इधर तो थ्री के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया सिक्स आ गया, ठीक है। तो जितना भी फोर का फैक्टोरियल होगा उसको आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका उतना ही आ जाएगा, ठीक है, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, ठीक है। ये चीज़ आपको याद करके रखना होगा कि फोर का फैक्टोरियल कितना है, थ्री का फैक्टोरियल कितना होता है, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन तो आपको इस तरह निकालना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कितना होता है, ठीक है। तो जहाँ तक मैं बोलूँगा आप बस वहीं तक याद कर लेना, ठीक है, बस आपके लिए बेस्ट होगा। तो फाइव का फैक्टोरियल कितना होगा 120 होगा, ठीक है, सिक्स का फैक्टोरियल कितना होगा, सिक्स का होगा 720, ठीक है। तो आप सिक्स फाइव या सिक्स तक याद करके रखो। अगर आप सेवन का देखोगे तो देखो 720 इंटू, ठीक है, ये सेवन फिर से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ तक तो सिक्स तक आ गया था, फिर हम लोग सेवन तक करेंगे, ठीक है, तो ये इतना है। तो आप
कोई क्या कर लो, 1 से 5 तक याद कर लो, ठीक है। अब जो चीज़ बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, ठीक है। अगर फैक्टोरियल, ठीक है, 3 से बड़ा हो, ठीक है, समझ लो कैसे, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझना। अगर 3 फैक्टर से बड़ा कोई भी नंबर हो वो 4 से कटेगा ही कटेगा, आप नोट बना के लिख लो, ठीक है। देखो 3 फैक्टर से कोई भी बड़ा नंबर होगा, जैसे 24, 120, तो ये 4 से कटना ही कटना है, समझ में आया, ठीक है। 4 या 4 से ज़्यादा जो भी होगा, ध्यान से समझो, 4 या 4 से ज़्यादा जो भी होगा सब 4 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ भाई इतना चीज। और इधर पे एक और चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। 5 के बाद ध्यान से समझना, देखो 5 के बाद, 5 से 5, 6, 7, 8, 5 के बाद से जितने भी फैक्टोरियल होंगे, 7, 8, 9, 10, 100, 99 फैक्टोरियल क्यों ना हो, 1999 फैक्टोरियल क्यों ना हो, या फिर कोई भी ऑड फैक्टोरियल क्यों ना हो, उसका हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, क्योंकि 5 के बाद, क्योंकि उस नंबर में 5 छुपा हुआ है। अगर आप कुछ कर देख लो, अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, आप कोई भी एक रेंडमली कोई भी नंबर लो, उसका फैक्टर निकालो कैलकुलेटर से, ठीक है, देखो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा। देख लो, अगर इसमें करो मल्टीप्लाई करो, देखो रिमाइंडर 0 आएगा। इसके बाद वाला नंबर लो, अगर एक बार रिमाइंडर में, सॉरी यूनिट डिजिट एक बार अगर 0 आ गया, तो उसका जो जितना भी आप कोई उसके बाद के जितने भी फैक्टोरियल आप निकालोगे, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो याद रखना 5 के बाद जितने भी आप फैक्टोरियल निकालोगे 0 ही आएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या, यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, तो उसके बाद का हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें बस 4 तक का ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये बस याद करके रखो इसको इतना, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन होगा कैसे। अब गाइस देखो क्वेश्चन ये था, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट क्या है 3, और ये देखो ये क्या है, ये 234 फैक्टोरियल है। मैंने आपको पहले ही बताया था 3 फैक्टोरियल से आगे के से बड़ा, 3 फैक्टोरियल से बड़ा जितना भी फैक्टोरियल होगा सब 4 से डिवाइड होगा। अगर 4 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा, 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो 3 का पावर क्या होगा 4। अगर रिमाइंडर 0 है तो 3 का पावर क्या होगा, इसमें इधर ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लाइन खींच के, ठीक है, छोटा सा आंसर है, यहीं पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है गाइस, तो 3 का पावर रिमाइंडर आएगा 0, तो रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होता है, 3 का पावर 4। 3 का पावर 4 मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट 1, ठीक है। इनटू का साइन है, बीच में इनटू किया। अब यहाँ से देखो गाइस, यहाँ पे क्या है गाइस, फैक्टोरियल क्या है 3। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 × 2 × 3 मतलब 6। तो यह ये पावर क्या आएगा, मतलब एक इवन नंबर आएगा पावर, ठीक है। ये एक इवन नंबर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक इवन नंबर है। कैसे इवन नंबर है, फैक्टोरियल क्या है 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 होता है, तो ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। और 4 का पावर इवन होने से क्या होता है, 6 होता है, ऑड होने से 4 होगा, तो ये पावर कितना है, इवन है। ध्यान से समझना गाइस, ये पावर क्या है, इवन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6, ठीक है। 4 का पावर इवन होने से 6 होता है, तो 1 × 6 क्या होगा, 6 होगा। बस गाइस देखो, अगर आपको कंसेप्ट पता होता तो एक लाइन में आपका निकल आता, क्लियर सी बात है। तो आपको ये मैंने कंसेप्ट बता दिया, सिंपल सा था कंसेप्ट। अब गाइस इसी पे बेस और भी क्वेश्चन आएंगे आगे, ठीक है, सिंपल सिंपल से, डरना नहीं, लेकिन थोड़े लंबे लंबे होंगे, जो कि 10 सेकंड में आराम से इजिली हो जाएगा। तो गाइस ऑप्शन में 6 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 777 का पावर 666, 555 का पावर 333, +888 का पावर 222, +444 का पावर 666, +411 का पावर 444, +222 का पावर 777। अब गाइस इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको मैं करके ही दिखा देता हूँ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब गाइस देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन देख के डरना मत, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, वहाँ से पिकअप किया गया है, ठीक है। अब देखो कैसे इजीली सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। यूनिट डिजिट 7 है, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो यूनिट डिजिट 7 है, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 × 1 = 4, 2 रिमाइंडर, 26 हो गया, 6 × 24 = 2 रिमाइंडर, तो ये 6 नीचे आएगा, 26 हो गया, फिर
सिक्स 24 तो टू रिमाइंडर, ठीक है, टू रिमाइंडर, टू रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, सेवन का पावर टू, सेवन का पावर टू मतलब क्या होता है 49, 49 का हम लोग नाइन लेंगे। अब फाइव का पावर क्या है, फाइव का पावर कुछ भी करो फाइव ही होता है, ये आपको पता है। अब ये एट का पावर कितना है, ठीक है, यहाँ से रिमाइंडर टू आएगा, फोर से डिवाइड करो, फोर फाइव या 22 रिमाइंडर, फिर ये टू आएगा 22, फिर फोर का फोर फाइव या 20, तो यहाँ से टू रिमाइंडर आ जाएगा। तो एट का पावर टू कितना होता है गाइस, फोर होता है, ठीक है, क्योंकि एट का स्क्वायर 64 होगा, तो फोर ले लेंगे प्लस। अभी फोर का पावर इवन है, तो इवन होने से क्या होगा, क्या होगा गाइस, इवन होने से सिक्स होगा, ठीक है, अगर ऑड होता तो फोर होता। वन का पावर कुछ भी करो तो वन ही होगा प्लस, टू का पावर अब देखो इधर पे सर, ये इसको फोर से डिवाइड करो, फोर वन या फोर थ्री रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 37, नाइन या 36 तो ये हो जाएगा 17, 17 फोर या 16 तो वन रिमाइंडर, तो टू का पावर वन कितना होता है, टू ही होता है, तो यहाँ पे टू लिख दो, ठीक है गाइस। अब देखो इसको ऐड कर लो, ठीक है, या तो एक ही बार में सबको ऐड कर लो, ठीक है, ये कितना होगा 10, ये हो जाएगा 20, 25, 27, तो 27 हुआ, 27 का हमें क्या चाहिए, यूनिट डिजिट चाहिए, तो 7 हमारा आंसर होगा, ठीक है गाइस। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन सॉल्व कितना में हुआ, एक लाइन में ही सॉल्व हो गया, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन में 7 दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डैश, मतलब 3333 फैक्टोरियल तक, ठीक है। तो ये है, इसका हमें क्या है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो गाइज आपको पहले ही मैंने कंसेप्ट बता दिया है, अब ये क्वेश्चन करने में आपका कितना इजी होगा देखो, किस तरह करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और ये आता है गाइज, ऐसा नहीं है ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तभी यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये किसी ना किसी एग्जाम से अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, डाटा चेंज होगा लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो आपको करके दिखाता हूँ। तो गाइस क्वेश्चन ये रहा, अब देखो गाइस इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे धड़ाधड़ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको गाइस सबसे पहले मैंने देखो ये क्या है, वन से लेके फोर से लेके कहाँ फाइव कहाँ तक जा रहा है, 3333 फैक्टोरियल तक जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने पहली वन का फैक्टोरियल मैंने आपको बताया वन होता है, टू का फैक्टोरियल कितना होगा टू होगा, थ्री का फैक्टोरियल सिक्स होगा, फोर का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 24 होगा, फाइव का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा गाइस 120 होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था फाइव के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे उनका यूनिट डिजिट क्या होगा, जीरो होगा। तो हमें क्या करना है, फाइव के फैक्टोरियल के बाद के नंबर्स को इग्नोर करना है, ठीक है, क्योंकि उनका तो यूनिट डिजिट जीरो ही आएगा, तो हमें वो लेके फायदा क्या है ना, समझ में आया। अगर आप जीरो में कुछ भी ऐड करोगे फाइव सिक्स सेवन तो वो तो उतना ही आएगा, तो हमें जीरो लेने का फायदा है नहीं है। तो हमें फाइव के बाद जितने भी फैक्टोरियल है उनको क्या करना है, इग्नोर ही करना है, ठीक है। तो बस हमें क्या है, हमें कितना लेना होगा, वन से लेके फोर फैक्टोरियल लेना होगा। तो वन का फैक्टोरियल कितना होता है, वन होता है, टू का फैक्टोरियल कितना होता है, टू होता है, थ्री का फैक्टोरियल कितना होता है, सिक्स होता है, फोर का फैक्टोरियल कितना है, 24 रहता है। अब 24 में से हमें किसको लेना है, 24 में से भी हमें फोर को लेना होगा, ठीक है, फोर प्लस सिक्स 10, 12, 13, तो 13 आया, 13 में से हमें वो यूनिट डिजिट लेना है तो 3 होगा। देखो गाइस कितना सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन जिसको कंसेप्ट नहीं पता होगा ना वो तो क्वेश्चन को देखते ही डर जाएगा, और वो सोचेगा उस टाइम पे एग्जाम में कि अरे इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने आज तक जिंदगी में किया ही नहीं, ठीक है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तो 18 नंबर की तो ऑप्शन में देखते हैं ये है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में देखो 3 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 इंटू 1 वन फैक्टोरियल का पावर 1 फैक्टोरियल 2 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल का पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल का पावर 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 101 का फैक्टोरियल 101 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, देख लो ध्यान से, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, देख के डरना नहीं है। अब इसको किस तरह करेंगे आपको बताता हूँ। तो गाइस क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, पहले टाइप पहले जो जिस टाइप का पहले इससे पहले जो क्वेश्चन था उसी टाइप में, बस हमने क्या किया, जो नंबर का फैक्टोरियल है उसी वही पावर उसी का पावर कर दिया और उसी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने पहले ही बताया था ये कहाँ तक जा रहा है गाइस, 1 से शुरू हो रहा है, ये 101 तक जा रहा है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था गाइस पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, जब फैक्टोरियल पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बोला था कि 5 के बाद, 5 के फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उन्हें हमें इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि उनका यूनिट डिजिट तो जीरो ही आएगा, तो हमें लेना कहाँ तक का है, 4 तक का लेना है, बस हमें 4 फैक्टोरियल तक का लेना है, अब हमें उसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो गाइस 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, अगर हम उसका पावर 1 फैक्टोरियल करेंगे तो इसका भी मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 का पावर 1 इंटू 1 तो वो क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। प्लस अब इधर देखो 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2, तो 2 का पावर 2 क्या होगा, 4, 4 इंटू 2 क्या होगा, क्या होगा गाइस, 4 इंटू 2 8 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 3 का पावर हो, यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल होगा, तो 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6, यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल कितना है, 6, 6 का पावर कुछ भी करो 6 ही आएगा, 6 इंटू 3 18, तो 18 का हम 8 लिखेंगे, यूनिट डिजिट 8 लिखेंगे। प्लस अब हम 4 का फैक्टोरियल, अब हम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 4 का, 4 इंटू 4 का फैक्टोरियल का पावर 4 का फैक्टोरियल, ठीक है, तो 4 का फैक्टोरियल कितना होता है गाइस, 24, ठीक है, 24 का हम क्या लेंगे, अच्छा 24, ठीक है, यहाँ पे यहाँ 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 24, यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 24, हमें यूनिट डिजिट लेना है 4, ठीक है, तो 4 का पावर 24, तो 24 क्या है, इवन है, इवन का मतलब क्या होगा, पावर 4 होगा, ठीक है, तो 4 मतलब क्या होगा, इवन होगा, तो कितना होगा, 6 इंटू 4 कितना होगा, 24 होगा, तो 24 का हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। ठीक है, ध्यान से देख लो गाइस, ठीक है, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है, और ये 4 का फैक्टोरियल का पावर 4 का फैक्टोरियल कितना है, 24, हमें यूनिट डिजिट लेना है तो 4 लेंगे, तो 4 का पावर क्या है, 24 मतलब इवन, इवन 4 का पावर इवन होगा तो 6 होगा, 4 इंटू 6 24 होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 4 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 लो, सबको ऐड कर दो, 16 20 21, ठीक है, तो 21 आया, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 आएगा। तो गाइस देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपको पता होगा तो आप सिंपली इसको कर लोगे, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप स्किप कर दोगे, देख के ही क्वेश्चन डर जाओगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है, ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो गाइस आज के लिए यहीं रहने देते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इस यूनिट डिजिट को ख़त्म करके हम चलेंगे डिविजिबिलिटी रूल की तरफ, ठीक है, तो इसमें गाइस टोटल 27 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने 27 के 7 ले लिए, तो आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट वीडियो में इस यूनिट डिजिट को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, और फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइस, ठीक है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि गाइस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ सपोर्ट करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट भी करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बढ़ाएँ, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।